इसलिए कि मेरे अगले मेहमान जो हैं वो हर रौनक की जान तो होते ही हैं, हर ड्रामे की शान भी हैं आजकल। बड़े बाकमाल एक्टर हैं और अच्छा गाते हैं, और उससे ज्यादा क्या पर्सनैलिटी है भाई। इस्तकबाल कीजिएगा आगा अली। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं पर हम किसी को नहीं बता रहे। अभी का किस्सा वो पीछे एक बड़ी वाली बंदूक के साथ एक बहुत ही खौफनाक से गार्ड है, तो वो अकेले रुक नहीं पा रही थी, बच्ची बेचारी मासूम। तो फिर मैंने बोला कि अभी मर्द किस लिए होते हैं, मदद कर देते हैं थोड़ी, तो हम आप। और आजकल वैसे भी जिम्मा मैंने उठाया है, तो मैंने कहा मदद करने का ना, बहुत ज्यादा मददगार हैं आप आजकल। शर्म आ जाती है इतनी मदद। लेकिन भाई ये इतनी सिंपल बात नहीं है, इसलिए कि ये दोनों माशाल्लाह एक होने वाले, किसी को बताना नहीं। ओके, किसी को नहीं बताना क्योंकि किसी ने सुना ही नहीं आज तक, किसी को पता नहीं चला, किसी को पता ही नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, थैंक यू, इट्स अ गुड न्यूज, इट्स अ वेरी गुड न्यूज। माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। भाई तुम यहाँ आओ और मुझे वहां जाने दो। हाँ, शॉर्ट बने भाई, शॉर्ट बहुत, टू शॉर्ट बने। बहुत ज्यादा शर्मिला हूँ शोज पे, बहुत शोज के बाद मैं कर लेता हूँ हैंडल, शोज पे थोड़ा सा मेरा। अरे माशाल्लाह क्या बात है। तो किसने किसको सबसे पहले देखा था भाई? देखा तो मेरे ख्याल में दोनों ने ही होगा। इन सब ने हमें देखा था, इनको हम इतने अच्छे लगे कि फिर हमें भी हम अच्छे लगने लगे। नहीं ये नहीं हो सकता, ये आप घुमाओ नहीं ना आगा बात को। सीधी सी बात बताओ ना, किसने किसको पहले देखा? आई मीन ताड़ा, किसने किसको? ताड़ने का काम तो आपको पता है किसका होता है, किसका होता है? लड़कियों का, लड़के का। ये बदनाम लड़के हैं। मुझे बहुत देर बाद सारा ने बताया कि सारा की नजर मुझ पे बहुत अरसे से थी। मुझे इस बात का कोई गरूर नहीं है। नहीं, but to be honest, I think सारा is probably one of the सबसे अच्छी co-star, अगर मैं कहूँ, मेरी जो मेरा सबसे स्मूथ अगर किसी हीरोइन के साथ रहा है इंटरेक्शन, तो वो इनसे पहले आयजा के साथ रहा था। ठीक है। और मुझे आज तक मैं इस बात को मानने से कासिर हूँ कि वो इंसान है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है, वो कोई फरिश्ता नुमा खातून है। एंड देन आई मेट अ लॉट ऑफ गुड, मैंने ताशा के साथ काम किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सही। मैंने और तकरीबन सब हीरोइंस के साथ काम किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पर कहीं बात या तो मैं बना नहीं पाता था या बन नहीं पाती थी। फिर मुझे एक दिन ऊपर वाला थोड़ा मेहरबान हो गया मेरे पे और एक हीरोइन आई मेरी जिंदगी में, और फिर हर चीज ऐसे लगा जैसे क्लिक कर रही है। ठीक है। और फिर मेरी माँ जी जो है, हाय माँ, आई एम ऑन टीवी। ओह माय गॉड। So my mom actually liked her a lot. And तो ये उनकी ज़्यादा contribution है मुझसे, क्योंकि मैं कभी ज़िंदगी में serious नहीं हो सकता था अगर मेरी माँ खुश नहीं होती तो। सही। और क्योंकि उनकी रज़ामंदी है, और काफी सारी रज़ामंदी है, तो then I was like okay। यानी अम्मा ने टीवी पे देख के बहुत पसंद कर ली, क्योंकि मेरे बेटे के साथ जश्ती है। उन्होंने actually तब पसंद किया जब उन्होंने सारा को शोज में देखा, बिकॉज हीरोइन का कोई पता तो होता नहीं अभी कैरेक्टर प्ले कर रही है पीछे क्या है, पर जब शोज में देखा एंड उन्होंने देखा कि बिल्कुल बोलती नहीं है पर हंसती रहती है हर वक्त, तो उन्होंने कहा डन है। सारा सारा ये क्या कह रहे हैं भाई, बिल्कुल बोलती नहीं है, खामोश बहू चाहिए होती है फिर सास को ना, मुझे लगता है। नहीं, इतनी प्यारी सी, इतनी माशाल्लाह से, सारा बोलती है ना। हाँ। सारा बोलती है ना, वो मुसलसल कही जा रहे, बोलती नहीं है सारा। हाँ, नहीं, सारा बहुत कम बोलती है, सारा बहुत कम बोलती है, हंसी जगह आगा बोल देते हैं। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फाइनली एक और गुड न्यूज हमें मिलने जा रही है, बहुत जल्द। कितना जल्द? वो ये तो हमें भी नहीं पता, पर बहुत जल्द, बहुत जल्द हम एक और जो है वो खूबसूरत सी शादी देखेंगे और एक खूबसूरत सा बंधन जो है उसका आगाज होगा। अय्या मेला काका, नहीं,
मैंने एक्चुअली अपने बारे में कभी ऐसी बातें सुनी नहीं है शोज में. अच्छा आज मुझे सब नया नया लग रहा है. सचमुच ब्लश हो रहा है. जाहिर है ये पहली पहली देखे चीक्स रेड हो रहे हैं. पहली कैसे आप लोग सब ठीक है? पहली पहली शादी कितनी दफा ही बातें होनी थी. पहली दफा ही हो रहा है सारा मामला. पहली दफा ही सारी बात होगी. सही. सो एक सिचुएशन जो है वो मेरे पास है इस वक्त के. मैं चाहूंगी कि हम उसको थोड़ा सा आपके साथ प्ले करके देखें. नताशा जी. अरे पल्लू अटक गया, तालियां बजाओ. अरे भाई पल्लू अटकना भी कितना रोमांटिक होता है कभी कभी. ये आपने सारा को देना है. और ऑन एयर ना आपने सारा से शादी की डेट मांगी. डेट मांगने यार ये ऐसा कुछ करने की ऑनेस्टली हमें इजाजत नहीं है ऑन स्क्रीन. हमें बहुत डांट पड़ेगी अभी शो के बाद भी. पर ऑनेस्टली मैं सबको बताता हूँ दैट अगर ये दुनिया का सबसे बुरा सबसे भुसा हुआ मुरझाया हुआ बुके भी होता तो एग्जैक्टली सारा ऐसे ले लेती. सारा मैं आपके लिए लाया हूँ. अच्छा जी ये हमारे पास ना आपकी हीरोइन मौजूद है. ओके है हीरोइन मौजूद है. मौजूद है कहाँ? आपने अपनी हीरोइन हाथ हेलो हीरोइन हाथ नीचे करेंगे थोड़ा सा. सब लोग खड़े हो जाए. पहली रोज है सब लोग खड़े हो जाए. पिछली वाली. अच्छा आप हाथ अपने सारे आगे करें. अच्छा मैं ऑडियंस के सामने आ गया हूँ. नहीं अच्छा आप अब हाथ आगे करेंगे. हाय एवरीबॉडी. हाय आगा. देखा झूठ बोल रही थी आप. जी आगा आपने ना. अरे तो किसी बच्चे का हाथ है. बच्चे का. अच्छा अच्छा हाथ आगे करेंगे ताकि आगा जज कर सके कि उनके प्ले की हीरोइन मेरे बेवफा की हीरोइन. नहीं आप भी नहीं. हाय अच्छा जी आप भी हाथ आगे करेंगे. अच्छा नहीं आप खाया पिया करो. सारा के हाथ ना मोटे हैं थोड़े. मेरी बहन बुरा नहीं मनाना मुझे डॉक्टर समझो. पेट खराब है आपका. अच्छा ये ठंडा हाथ है बहुत. ये हो सकता है सारा है. And a big round of applause for my smartness and for seeing what I'm trying. Sara, कैसी हो? बिल्कुल ठीक. अगर आप अभी हंसी ना बैठ के आगरा को कभी पता नहीं चल रहा था. नहीं मुझे पता चल गया था. चल गया था. They're very specialized cold hands that Sara has got. तो पता चल जाता है. अच्छा वैसे आपके हाथ भी कोई इतने गर्म तो नहीं है. उससे गर्म थे. अच्छा सारा से गर्म. बिल्कुल सही. सारा हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक. कैसा लग रहा है भाई इतनी खवातीन की प्रोडक्शन में? और आपका मुझे यकीन है कि रोल जो है वो फिर बहुत सारी खवातीन को रिप्रेजेंट करेगा. बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि ख्वातीन को और बढ़ के काम करना चाहिए. और जो कैरेक्टर है अज़रा. हाँ अज़रा. मैं अज़रा प्ले कर रही हूँ. और अज़रा वो वाला कैरेक्टर है जो हर सास चाहेगी कि उसकी बहू ऐसी हो. हर शौहर चाहेगा कि उसकी बीवी ऐसी हो. लेकिन आगे जाके अज़रा के शेड्स भी बहुत हैं. वो इतनी बदतमीज भी है. वो रूड भी हो जाएगी अपनी सास के साथ. उन्हें कहेगी कि मुँह बंद रखे वरना मैं आपके गला काट दूँगी. इस तरह की भी हो जाएगी. तो मुझे सादिया के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि जो हमारे मेल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे ज़्यादा बेहतर माहौल था. बेहतर ये बात जो है आगा नहीं कह सके थे. आगा मैं आपसे पूछ रही थी कि खवातीन के साथ काम करना जो है इट्स नॉट जस्ट कि आई एम वुमन. आई हैव फेल्ट कि औरतें हमेशा ज्यादा डेडिकेशन के साथ ज्यादा पैशनेटली ज्यादा प्रोफेशनली काम करती हैं. मैंने तो आपको ये कहा कि मैं बस कंपैरिजन पे बिलीव नहीं करता बिकॉज बड़ी बड़ी लंबी बहस हो जाती है. पर एज आई सेड वो किसी भी मामले में किसी मर्द से कम नहीं होती है. बेहतर थी. अच्छा बेहतर. लेकिन सारा ने प्रिसाइजली कह दिया कि मुझे बेहतर फील हुआ. अरे सारा हु इज बेवफा इन दिस सीरियल? ये जो नाम है मेरे बेवफा ये कहाँ से आया? बेवफा कोई नहीं है. लेकिन सिचुएशन ऐसी कुछ बन जाती है कि मैं इन्हें बना देती हूँ बट ये है नहीं. और ये क्यों नहीं है ये मैं बता नहीं सकती. वो देख के ही पता चलेगा. और ये भी एक पॉइंट पे आके अज़रा का कैरेक्टर भी एक पॉइंट पे आके वो भी ये वाली हरकतें करेगी कि उसको भी लोग बोलेंगे कि इसके साथ ठीक हो रहा है. अच्छा ये भी तो बेवफाई कर रही है. लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी कि वो दोनों ही फंसे हुए होंगे. वो दोनों बेवफा नहीं है. कोई भी नहीं है एक्चुअली. हम बेवफा
मगर हमारे साथ कर ना सके. और मेरा इनका शामिर का कैरेक्टर तो का तो ये गाना है बेचारे का कि वो बिल्कुल 100% नहीं चाहता कि वो उसके हाथों में बेवफाई हो, लेकिन 100% हो जाती है. एंड दैट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि आप, आपको पता है कि आप बेवफाई कर रहे हैं पर आप, आपका दिल नहीं मान रहा है कि आप करें, ठीक है, पर आप उस सिचुएशन में फंस रहे हैं. That's the beauty of the story. हाँ, और